Good morning friends, how are you? I hope you are fine at home. Friends, myself Patel Dixita, Ashwamedh Vidyalay, Pardi. Today we are learn about science. Okay, so friends, do you like to eat food? Kya aapko khana pasand hai? यस, सब कहेंगे हाँ, क्योंकि खाना सबको पसंद है. ओके, वी ईट मैनी वैरायटी ऑफ फूड इन डेली लाइफ. एन एग्जांपल, पास्ता, पराठा, रोटी सब्जी, दाल राइस एंड मैनी वैरायटी ऑफ फूड. बट फ्रेंड्स, हाउ ईट फूड आइटम डाइजेस्ट इन ओवर बॉडी. ये सारी फूड आइटम्स जो है वो हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होती है. ओके, वी हैव वन डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारी बॉडी में एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में लर्न करेंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. ओके, एंड हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है वो अलग अलग पार्ट्स और ऑर्गन्स है. एंड एग्जांपल, आई, ईयर, लेग, हैंड एंड मैनी ऑर्गन्स. तो क्या ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में आता होगा? नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं. तो वो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं वो हम पहले जानेंगे. देन वी ड्रॉ अ डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, तो फर्स्ट वन इज माउथ. फर्स्ट क्या है? माउथ. देन सेकेंड वन इज सेलिवरी ग्लैंड. सेकेंड क्या है? सेलिवरी ग्लैंड्स. सेलिवरी ग्लैंड्स के बाद आएगा इसोफेगस. इसोफेगस. देन नेक्स्ट इज लीवर. लीवर. लीवर के बाद आएगा स्टमक. क्या आएगा? स्टमक. देन गॉल ब्लैडर. आफ्टर गॉल ब्लैडर द नेक्स्ट इज पैनक्रियास. And the next is small intestine. Kya aayega next? Small intestine. The next large intestine. Large intestine. Okay. Then aayega rectum. Rectum. And the last one is anus. So friends, ये सारे parts जो है वो हमारे digestive system में आते हैं. Okay. तो क्या आएगा यहाँ पे? Parts or organ of digestive system. Okay, so now we are draw a figure of digestive system. Okay.
ओके फर्स्ट वी ड्रॉ अ बॉर्डर. जैसे कि हमारी बॉडी है तो इस टाइप की ये जो हमारी बॉडी है ओके इसमें फर्स्ट जैसे कि ये लिप्स है. लिप्स के अंदर क्या होगा, ये पूरा एरिया जो है हम माउथ बोलेंगे. क्या बोलेंगे, माउथ. ये हमारे लिप्स है. लिप्स के बाद अंदर माउथ में क्या होगा, यस टीथ. तो यहाँ पे जो है वो टीथ है ओके. हाउ मेनी टीथ इन ह्यूमन, हमारे माउथ में कितने टीथ होते हैं ये आपको फाइंड आउट करना है और नोटबुक में लिखना है ओके. नाउ नेक्स्ट, ये जो टीथ है उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे ये पूरा एरिया जो है उसे क्या बोलेंगे हम, माउथ. क्या बोलेंगे, माउथ ओके. देन यहाँ पे जो है माउथ के पास यहाँ पे और यहाँ पे सेलिवरी ग्लैंड्स आई होती है, जिससे जो सेलिवरी ग्लैंड्स जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस करती है ओके. तो ये हुई हमारी सेलिवरी ग्लैंड्स. क्या है ये, सेलिवरी ग्लैंड्स ओके. देन नेक्स्ट इज एसोफेगस. क्या आएगा, एसोफेगस. ये जो है इसे हम एसोफेगस बोलेंगे. एसोफेगस को सिंपल लैंग्वेज में फूड पाइप बोलते हैं. क्या बोलते हैं, फूड पाइप. फूड पाइप ओके. फूड पाइप तो एसोफेगस है. एसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलेंगे, फूड पाइप भी बोल सकते हैं ओके. तो एसोफेगस जो है वो सीधा स्टमक के साथ जुड़ा होता है. माउथ के बाद क्या आएगा, सेलिवरी ग्लैंड जो है वो माउथ के पास आया होता है और माउथ जो है वो माउथ में से सीधा एसोफेगस कहाँ तक होता है, स्टमक तक. तो यहाँ से आएगा स्टमक. इस तरह से ये स्टमक आएगा ओके. स्टमक जो है वो जे शेप का होता है. इंग्लिश अल्फाबेट जे जो है तो ये स्टमक है वो जे शेप का होता है ओके. तो यहाँ पे हमने स्टमक किया. उसके बाद स्टमक के ऊपर के एरिया में यहाँ पे इस तरह से क्या आएगा, लीवर. क्या आएगा, ये क्या है, लीवर. और ये क्या है, स्टमक. ये स्टमक है ओके. और ये क्या है, लीवर. लीवर का जो है, लीवर का कलर रेड होता है. कैसा होता है, रेड. और लीवर और स्टमक वो पास पास में होते हैं. देन यहाँ पे लीवर और स्टमक के बीच में से बलून आकार का, बलून शेप में इस तरह से एक शेप बना हुआ इस टाइप का आता है, उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, गॉलब्लैडर. गॉलब्लैडर ओके. तो यहाँ पे
किसके पास होता है गॉल ब्लैडर? लीवर के पास। लीवर के प्लस पास क्या बना होता है? गॉल ब्लैडर होता है। देन नेक्स्ट पैनक्रियास। तो पैनक्रियास जो है वो यहाँ स्टमक के पास इस तरह इस टाइप का पैनक्रियास होता है। ये पैनक्रियास है। क्या है? पैनक्रियास। एंड द नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसोफेगस जो है इसोफेगस वो स्टमक के साथ जुड़ा होता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्टमक को दूसरी साइड से मतलब यहाँ जो है वो इसोफेगस जुड़ा होता है, एंड सेकेंड शेप जो है वो नीचे से स्टमक के नीचे से क्या जुड़ा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये इस टाइप का, ओके। तो ये क्या हुआ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, इस टाइप से वो यहां तक स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक ट्यूब टाइप का होता है, जो स्मॉल उसे बोलते हैं, लेकिन उसकी लेंथ जो है वो 6 to 7 meters होती है, ओके। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का शेप हम देखेंगे कि इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन यहां तक पूरा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसके बाद ये इस तरह से पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करते हुए यहाँ नीचे तक आता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो यहाँ से पूरा यहाँ तक, ओके। तो ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन इट इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है उस वो रेक्टम से जुड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, और ये रेक्टम से। तो यहाँ पे हमारा रेक्टम आएगा इस तरह से, ओके। तो ये रेक्टम जो है वो इस तरह एनस, यहाँ पे एनस आएगा, ओके। तो ये क्या है? ये रेक्टम है, और द लास्ट वन इज एनस। अब हम हमारी बॉडी का जो पूरा बाहर का शेप है वो इस तरह से कवर कर देंगे, ओके। तो ये हमारे लेग हो गए। क्या हुआ हमारा लेग? तो फ्रेंड्स, दैट इज पार्ट और ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, सेलिवरी ग्लैंड्स, इसोफेगस जिसे हम फूड पाइप बोलेंगे, लीवर, स्टमक जो है जे शेप का होता है, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये जो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।